जय हो, जय हो चंडी का भवानी निराली बाटे महिमानी। कैसे जनलू हो, कैसे जनलू हमारी प्यारी निराली इनकर महिमा। कैसे जनलू सुनी बोला पौराणिक बात बा हम बतावत नहीं रहुआ। अच्छा अच्छा। राक्षस चंड मुंड बलकारी प्रगति वहां पे एक कुमारी। ऋषि मुनि सब ही बुढ़वा खानी अच्छा अच्छा तो तू बतावत बाड़ू कि एक कन्या प्रकट हुई है। जी हाँ। अच्छा तो कन्या के ही कारण से आई, कन्या के ही कारण से आई दे तू हमके आज बताई। सत्य के हम हूले इत जानी निराली इनकर महिमा। सत्य के हम हूले तू जाना चाहता रहा कि कन्या कौने कारण से आई। हाँ हाँ। ये प्राचीन काल के बात बा। बाह जावा चंडीगढ़ का धाम बा। हाँ? ये जगह पर ऋषि मुनि जी सब तपस्या करत रहला। अच्छा अच्छा। वो तपस्या में राक्षस चंड मुंड नाम का दुगो राक्षस परेशान करत रहला। अच्छा। जब ऋषि मुनि तपस्या कैलन तो उनके तपस्या के बल से ही कन्या प्रकट भइली। बा कैली का जानत हुआ। बोला सुना देख कैसे जाने दुनिया सारी, कैसे जाने दुनिया सारी गुनवा गावत बा नर नारी। भैली कैसन जगत कल्याणी निराली इनकर महिमा। भैली कैसन जगत कल्याणी निराली। रउआ पूछे तनी तो हम बताई दे बनी। हाँ। सुंदर कन्या के देख के राक्षस चंड मुंड कन्या के पास अलन। बा कन्या कली की देखा जे सबसे बलवान हो वैसे हम ब्याह करब। अच्छा। ब्याह करे के लालच के मारा दोनों आपस में लड़ गईलन
आ दोनों के नामो निशान मिट गेल। वाह ई बात। दोनों के जिंदगी खत्म हो गेल। अच्छा त ऋषि मुनि जी सब जयकार करे लगलन कि एक कन्या के चलते दोनों राक्षस से हमन के छुटकारा मिलल बा। अच्छा ई मंदिर के निर्माण के कैलाश वाह केकरे द्वारा भई? हां हां ई हो रहा है। बतावा तनी जा हम बतावा। राजा भैरो बक्स जियाए ऋषि मुनि बात के सब बताए। देश का राजा रला राजा भैरव भक्स जी। अच्छा ई बात के सुनलन त उ अइलन जहाँ तपस्या करत रला ऋषि मुनि जी। सब बात के बतौलन त राजा भैरव भक्स जी जहाँ चंड और मुंड का संहार भइल रहल जहाँ देवी प्रकट भइल रहली वहाँ एगो चीज का निर्माण कइलन। कौन सा चीज का? सुनी बतावा कि हरसु हरसु तारा बनल निशानी। सबही माँ के शीस झुकावे सबही माँ के शीस झुकावे ब्रह्मा विष्णु जी गुण गावे। कि मंगल खेम राज जी मानी निरालीन कर महिमा। मंगल खेम राज जी मानी द्वारे हम आइल बानी निराली बाटी महिमा। हम हुआ इलवानी निराली बाटे महिमा।